स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम टॉप 10 बैंकिंग और इकोनॉमिक न्यूज देखेंगे फ्रॉम नवंबर 1 टू नवंबर 15, 2017। जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है, नंबर 1, यूपी उत्तर प्रदेश टॉप्स इन मोबिलाइजिंग जनधन अकाउंट्स। नंबर 2, नॉट टू परस्यू इस्लामिक बैंकिंग सेड बाय आरबीआई। नंबर 3, मुंबई टू होस्ट 34th एशियन बैंकर्स एसोसिएशन समिट। नंबर 4, फेमा नॉर्म्स ईज टू स्पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओवरसीज। नंबर 5, इकोनॉमिक एडवर्सरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर स्पेल्स आउट रोड मैप फॉर स्किल डेवलपमेंट जॉब क्रिएशन। नंबर 6, काउंसिल कट्स जीएसटी ऑन 178 गुड्स, ओनली 50 आइटम्स टू रिमेन इन 28% स्लैब। नंबर 7, फिनो पेमेंट बैंक टाइज अप विद मदर डेयरी एंड गोकुल डेयरी। नंबर 8, हसमुख आदिया अपॉइंटेड एज यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। नंबर 9, पेटीएम पेमेंट बैंक अपॉइंट्स आईसीआईसीआई बैंक सुधांशु जैन एज सीएफओ। लास्ट नंबर 10, डोमेस्टिक बैंक्स ओवरसीज प्रेजेंस अप मार्जिनली इन फाइनेंशियल ईयर 2017 सेट बाय आरबीआई। अब हम इन 10 न्यूज को डिटेल में देखते हैं। पहली है, उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इन मोबिलाइजिंग जनधन अकाउंट्स। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन योजना के न्यू अकाउंट्स खोले गए हैं आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। और उत्तर प्रदेश के बाद आने वाले जो शहर हैं वो हैं बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है इन ओपनिंग न्यू पीएमजेडीवाई अकाउंट्स आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नॉट टू परस्यू इस्लामिक बैंकिंग सेट बाय आरबीआई। आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो इस्लाम बैंकिंग का प्रपोजल था वो उसको परस्यू नहीं करेगा। ये जो प्रपोजल लाया गया था या सजेस्ट किया गया था वो जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के, रघुराम राजन, वो लेकर आए थे। इस्लाम बैंकिंग होती क्या है, ये ऐसा एक फाइनेंस सिस्टम है जिसके अंदर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। शरिया कानून के अंतर्गत इंटरेस्ट लेना मना है, दैट इज चार्जिंग इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड अंडर इस्लाम। आरबीआई ने कौन सी बैंकिंग को परस्यू करने से मना कर दिया है? आंसर है इस्लाम बैंकिंग। तो इसको आपको याद रखना है कि इस्लाम बैंकिंग में क्या ऐसी बात है, दैट इज कि इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लगता है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट न्यूज है, मुंबई टू होस्ट 34th एशियन बैंकर्स एसोसिएशन समिट। मुंबई पहली बार इस समिट को होस्ट कर रहा है और उसकी थीम है एशियाज टर्न टू ट्रांसफॉर्म। आपको कंट्री याद रखनी है, सॉरी आपको स्टेट याद रखनी है कि कौन सी स्टेट इस समिट को होस्ट कर रहा है और मुंबई कौन से नंबर की स्टेट है जो इसे होस्ट कर रही है, दैट इज 34th। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, फेमा नॉर्म्स ईज टू स्पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओवरसीज। आरबीआई ने फेमा के नॉर्म्स को ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले फेमा एक्ट में 93 अमेंडमेंट्स थे, जो कि 93 अमेंडमेंट्स को आरबीआई ने सिंगल नोटिफिकेशन के अंदर डाल दिया है। उस सिंगल नोटिफिकेशन के अंदर दो हमारे रेगुलेशंस हैं, फेमा 20 और फेमा 24। फेमा में इन्वेस्टमेंट जो होगी वो इंडियन कंपनीज के अंदर होगी या इंडियन कंपनी किसी दूसरी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी, लेकिन फेमा 24 में इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप जो फर्म होगी वो इंडियन कंपनी के बाहर की होगी, उसमें इंडियन कंपनी नहीं होगी। सो यू कैन से फेमा 20 में इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन कंपनी विद अनदर इंडियन कंपनी, फेमा 24 इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द इंडियन कंपनी और एनी फॉरेन कंपनी। तो आपको याद रखना है आरबीआई ने किस एक्ट के 93 अमेंडमेंट्स को एक नोटिफिकेशन में डाल दिया, दैट इज फेमा, और इसकी एक नोटिफिकेशन के अंदर कौन से दो रेगुलेशंस हैं, फेमा 20 और फेमा 24। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इकोनॉमिक एडवर्सरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग हेल्ड की थी न्यू दिल्ली में, जिसके अंदर उसने कुछ चीजों के लिए प्लान किया, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, जॉब क्रिएशन करना, सोशल सेक्टर में रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। ये जो मीटिंग हुई थी ये अक्टूबर 2017 में हुई थी और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी, विवेक देबरॉय के, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मीटिंग कहां पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी, विवेक देबरॉय के अंडर हुई थी।
ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नीति आयोग के मेंबर हैं जिनके अंदर जिनकी चेयरमैनशिप के अंडर ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, काउंसिल कट्स जीएसटी ऑन 178 गुड्स ओनली 50 आइटम्स टू रिमेन इन 28% स्लैब। जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी जिसको हेड किया था अरुण जेटली ने। ये 23rd मीटिंग थी और ये गुवाहाटी असम में हुई थी। आपको याद रखना है कि ये मीटिंग कहाँ हुई थी। हम सब जानते हैं कि जीएसटी के अंदर चार स्लैब्स हैं, 5, 12, 18, 28। पहले 28% का जो स्लैब था उसमें 228 आइटम्स थी, अब उसमें सिर्फ 50 रह गई है और बाकी के जो 178 है वो 18% स्लैब के अंदर चली गई है। ये जो आइटम्स हैं वो हाई एंड यूज और सिन गुड्स हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, मार्बल फ्लोरिंग, टॉयलेटरीज एक्सेट्रा। और जिन आइटम्स का 5% टैक्स रेट था उसको 0% कर दिया है, जिसके अंदर स्वीट पोटैटोज, गुआर मील, ड्राइड और फ्रोजन फिश इंक्लूडेड है। और रेस्टोरेंट्स में पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लगता था, अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि सिर्फ फ्लैट 5% रेट लगेगा एक्सेप्ट द होटल्स जिनका टैरिफ 7500 या उससे ज्यादा है। तो इसमें आपको याद रखना है कि 28% के स्लैब में कितनी आइटम्स थी, अब कितनी हो गई हैं, या कितनी 18% के स्लैब में मूव कर गई हैं, किनका टैक्स 5% से 0% कर दिया है और रेस्टोरेंट्स में एक फ्लैट टैक्स कितने परसेंट कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, फिनो पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है मदर डेयरी और महाराष्ट्र बेस्ड गोकुल डेयरी के साथ ताकि वो मिल्क पोरर्स की पेमेंट्स को डिजिटाइज कर सके। इसके लिए जो कस्टमर है वो फिनो पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप बी पे को यूज कर सकते हैं ताकि वो डिजिटल पेमेंट कर सके और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सके। ये जो फिनो पेमेंट बैंक है ये फोर्थ पेमेंट बैंक है इंडिया का और इसके सीईओ है ऋषि गुप्ता। तो आपको याद रखना है कि कौन से बैंक ने मदर डेयरी और गोकुल डेयरी के साथ टाई अप किया है, इसके सीईओ कौन है, इसकी कौन सी ऐप है जिसको यूज करके कस्टमर्स पेमेंट कर सकते हैं, वो है बी पे। नेक्स्ट न्यूज है, हसमुख आदिया अपॉइंट किए गए हैं यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी और वो पहले यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और रिस्पॉन्सिबल थे जीएसटी को रोल आउट करने के लिए और डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स को रोल आउट करने के लिए। इन्होंने सक्सीड किया है अशोक लवासा को। तो आपको याद रखना है कि यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, आंसर है हसमुख आदिया। नाइन्थ न्यूज है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने सीएफओ अपॉइंट किया है आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव सुधांशु जैन को। पेटीएम पेमेंट बैंक को ज्वाइन करने से पहले सुधांशु जैन हेड ऑफ द बोरोइंग फॉरेन करेंसी थे आईसीआईसीआई बैंक में। तो आपको ये नाम याद रखना है कि कौन पेटीएम पेमेंट बैंक के सीएफओ अपॉइंट किए गए हैं। अब लास्ट न्यूज है, डोमेस्टिक बैंक ओवरसीज प्रेजेंस अप मार्जिनली इन फाइनेंशियल ईयर 17, आरबीआई ने कहा है। 2016-17 में ये देखा गया कि काफी कि एक मार्जिनल इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक ब्रांचेस में 189 से 192, लेकिन फॉरेन बैंक्स में डिक्रीज हुआ है 317 से 286। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरेन बैंक्स हमारे इंडिया में कितने हैं, कितने से कितने डिक्रीज कर गए हैं या डोमेस्टिक बैंक्स कितने हैं। तो स्टूडेंट इन 10 न्यूज को आपको याद रखना है या आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम हर 15 दिन के 10 टॉप बैंकिंग न्यूज आपको देते रहेंगे।